नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा हिमांशु राय, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। हिमांशु राय एक प्रसिद्ध लेखक, निर्देशक और एक्टर थे। इनका जन्म 1892 में बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत, कटक में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम मैरी हेनलिन। इनके साथ 1924 में इनसे शादी हुई थी और 1926 में तलाक हो गया था। इनकी दूसरी पत्नी देविका रानी, जिनसे इन्होंने 1928 में शादी किया और मरणोपरांत तक रहे। बच्चे का नाम है नीमा डिटिच। हिमांशु राय एक कुलीन बंगाली परिवार में जन्मे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा के लिए शांति निकेतन में कई साल बिताए। कलकत्ता से कानून की डिग्री हासिल करने के बाद वे बैरिस्टर बनने के लिए लंदन चले गए। वहां उनकी मुलाकात एक नाटककार और पटकथा लेखक निरंजन पाल से हुई। उस जुड़ाव के कारण एक फिल्म द लाइट ऑफ एशिया का निर्माण हुआ, जिसे उन्होंने फ्रांच ओस्टेन के साथ स्वयं निर्देशन किया। हिमांशु राय भी इस फिल्म में मुख्य अभिनेता में से एक थे। अपनी तीसरी फिल्म प्रपंच 5 बनाते समय उनकी मुलाकात नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की परपोती देविका रानी से हुई और उन्हें प्यार हो गया। यह फिल्म पूरी होने से पहले उन्होंने शादी कर ली। हिमांशु राय, शशिधर मुखर्जी और देविका रानी साथ सहभागी होकर बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो का निर्माण किया। मुखर्जी के बहनोई ने स्टूडियो में एक तकनीशियन के रूप में काम किया। फिल्म जीवन नैया में अपनी पत्नी और प्रमुख कलाकार यानी कि जो उसमें हीरो थे नजमुल हसन, इनके बीच कुछ है। इन्हें संदेह हुआ कि इनके बीच में प्रेम चल रहा है, जिससे हिमांशु ने उन्हें अपने फिल्म से बर्खास्त कर दिया और हीरो के लिए नए हीरो की तलाश करना शुरू कर दी। वो एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे थे जो दिखने में कम खूबसूरत हो। उनके बहनोई अशोक कुमार को उन्होंने कास्ट किया। अशोक कुमार ने इस फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की। हिमांशु राय की मृत्यु के बाद इसके बाद देविका रानी ने बॉम्बे टॉकीज को अपने नियंत्रण में लिया और बहुत संघर्ष किया। इनके साथ इनके पार्टनर का मतभेद भी हुआ। इस दौरान मुखर्जी ने बॉम्बे टॉकीज की सबसे बड़ी हिट फिल्म किस्मत का निर्माण किया। इसके बाद बॉम्बे टॉकीज की एक और फिल्म बनी महल, जो सुपर हिट रही। इस दौरान देविका रानी और इनके बीच में जो पार्टनर थे, इनके बीच विवाद बढ़ने लगा, जिसके चलते इन्होंने बॉम्बे टॉकीज को बंद कर दिया। 1945 में इन्होंने अपना दूसरा विवाह किया और फिल्मों से दूर चली गई। निर्माण फिल्में शिराज 1928, प्रपंच 5 1929, कर्म 1933, जवानी की हवा 1932, जीवन नैया 1936, जन्मभूमि 1936, अछूत कन्या 1936, सावित्री 1937, जीवन प्रभात 1937, इज्जत 1937, कंगन 1939। हिमांशु राय ने कर्म में 1933 में काम किया, प्रपंच 5 1929 में इन्होंने काम किया था। इसमें शिवराज इस फिल्म में 1928 में काम किया, प्रेम संन्यास इसमें 1925 में काम किया। इन्होंने एक फिल्म के लिए लिखा था अछूत कन्या, जो 1936 में बनी थी। निर्देशक इन्होंने प्रेम संन्यास में 1925 में जो रिलीज हुई, इसमें इन्होंने निर्देशन किया था, निर्देशक थे इस पिक्चर के। हिमांशु राय की मृत्यु 16 मई 1940 को हो गई। उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।